नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजोन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको IHP के ऊपर कुछ MCQ बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी आपको 3 वीडियो IHP के MCQ दिए हैं, लेकिन अभी जो आपके एक दो पेपर हुए, जैसे इमर्जिंग ट्रेंड हुआ या और ऑटोमोबाइल हुआ, उसमें देखा मैंने कि आपके जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर रिसेंट डेवलपमेंट क्या चालू है वो देख के भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चंस निकाले मैंने, ये मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड लेवल पे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कवर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर कर लूँगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सेंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ पिस्टन रॉड। अभी कैसे होते हैं इंडस्ट्री में कि पिस्टन का पोजिशन का ये करके आपका ऑपरेशन ऑन या ऑफ होता है, तो इसके लिए क्या क्या मेथड्स है? लीवर ऑपरेटेड DCB, लिमिट स्विच, रोलर ऑपरेटेड DCB और ऑल है। मतलब क्या कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द पिस्टन रॉड। ये सारे जो मेथड्स है ये क्या होते हैं पिस्टन रॉड का पोजिशन सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। लीवर ऑपरेटेड DCB, लिमिट स्विच, रोलर ऑपरेटेड वॉल, ये तीनों भी। फिर उसके बाद विच ऑफ़ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ टाइम डिले वॉल। अभी आपको क्या होगा, नीचे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे 3-4, उसमें से वो पूछेंगे कि इसमें से कौन सा एलिमेंट क्या है आपका टाइम डिले वॉल का है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम डिले वॉल कैसे बना होता है। टाइम डिले वॉल में आपका FCV होता है, रिजर्वायर होता है और एक 3/2 DCV वॉल होता है। तो एक क्या रहेगा, 4 ऑब्जेक्ट में से एक आपका आंसर रहेगा, बाकी के उसके कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ FCV, फ्लो कंट्रोल वॉल का फंक्शन क्या है, एडजस्ट द फ्लो रेट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। अभी एक चेक वॉल क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं वो कि फ्लो कंट्रोल वॉल है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। तो आपका चेक वॉल क्या है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं जाने देता, इसलिए वो क्या है आपका DCV है। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ सिंगल एक्टिंग। अभी एडवांटेज ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या है, पता है आपको कि सिलेंडर कैसे बने होते हैं, कि एक सीमलेस ट्यूब रहती है, उसको कैप एंड होता है और रॉड एंड होता है दोनों साइड में। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि एक साइड में आपको क्या करना पड़ता है, सील देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसका क्या है एडवांटेज है। इन टेलीस्कोपिक सिलेंडर एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज्ड। टेलीस्कोपिक सिलेंडर मतलब जो आपके जो हाईवाज होते हैं या जहाँ पे रेती डाल के वो ट्रक्स लेके जाते हैं, वहाँ पे पीछे जो रहेगा वो आपको टेलीस्कोपिक रहता है, वो अंदर से एक एक सिलेंडर बाहर निकलते जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे स्टेजेस इंक्रीज होते हैं तो अंदर का जो पिस्टन रॉड का डायमीटर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। टेलीस्कोपिक सिलेंडर हैव मल्टी स्टेज यूनिट्स, ये आपको याद रखना है कि उसमें क्या होते हैं, मल्टी स्टेज यूनिट्स होते हैं। फिर अभी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि आपका जो पावर है वो इंस्टेंटली जाता है वहाँ पे। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। अभी हाइड्रोलिक में हाइड्रोस्टैटिक होता है और हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी का यूज़ होता है, और हाइड्रोडायनेमिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका जो ऑयल है, ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विस्कोसिटी आपका 46-68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये रुक जाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के भी कवर कर लेता हूँ।